कटघर क्षेत्र में जुए और सट्टेबाजी की सूचना पर दबिश देने गई एसओजी की टीम पर लोगों ने हमला बोल दिया। मुख्य आरोपी को पकड़कर लाते वक्त अचानक मोहल्ले वालों ने छतों से पथराव शुरू कर दिया। इस दौरान एसओजी की टीम को निशाना बनाते हुए फायरिंग भी की गई। घटना में दो सिपाही घायल हो गए। पुलिस कर्मियों ने भी बचने के प्रयास में हवाई फायरिंग की। एसओजी पर हमले की सूचना पर एसपी सिटी 5 थानों की भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। इसके बाद उनकी मौजूदगी में इलाके में सर्च अभियान चलाकर घरों में घुसकर हमलावरों को तलाश किया गया। पुलिस ने मुख्य आरोपी व उसके दो भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। तीनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। फरार अन्य की तलाश में संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। पुलिस पार्टी पर हमला दोपहर करीब 12:30 बजे कटघर थाना क्षेत्र में 10 सराय चौक के स्थित करोला गली नंबर 1 पर हुआ। एसओजी प्रभारी अजय कुमार को सूचना मिली कि गली नंबर 1 निवासी इफ्तेकार जुए और सट्टे का कारोबारी है। मौजूदा समय में वे अपने घर में सट्टा खिला रहा है। इस पर एसओजी ने इफ्तेकार के घर पर दबिश दी। पुलिस वालों के अनुसार उन्होंने दरवाजा खुलवाने का काफी प्रयास किया, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। किसी तरह अंदर घुसे पुलिस कर्मियों ने इफ्तेकार को दबोच लिया। पुलिस जैसे ही उसे लेकर निकलने लगी तो मोहल्ले वाले हमलावर हो गए। आरोपी की छतों से पुलिस को निशाना बनाते हुए पथराव कर दिया गया, जिससे पुलिस कर्मियों में भगदड़ मच गई। बचने के लिए इधर उधर छुपे तो छतों से फायरिंग होने लगी। चारों तरफ से घिरने पर एसओजी की टीम ने पुलिस को सूचना देने के साथ ही हवाई फायर कर दिया। पथराव की चपेट में आने से सिपाही जोगेंद्र घायल हो गया। एसओजी पर हमले की सूचना पर हड़कंप मच गया। एसपी सिटी अमित कुमार आनंद, सीओ कटघर मनीष कुमार और सीओ कोतवाली इंदु सिद्धार्थ 5 थानों की भारी फोर्स के साथ पहुंच गई। पुलिस ने जब मोहल्ले की घेराबंदी करनी शुरू की तो पथराव करने वाले लोग फरार हो गए। अफसरों की मौजूदगी में पुलिस ने काफी देर तक सर्च अभियान चलाया। अंदर जुए और सट्टे की सूचना थी, जिसमें पुलिस टीम को भेजा गया था। कार्रवाई के दौरान उन पर पथराव और गोली चलाई गई है, जिसमें रिइंफोर्समेंट के लिए फोर्स भेजी गई थी। मौके से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है और सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन अभी चलाया गया है। जी सर।